आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन को चेहरे के सामने लाते हैं तो आपका फोन कैसे अनलॉक हो जाता है, या कैसे सोशल मीडिया आपको लोगों से भरी तस्वीर में टैग करता है, या कैसे ट्रैफिक पुलिस हमें ट्रैफिक लाइट नियम तोड़ने पर चालान भेजने में सक्षम है, भले ही वहां कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मौजूद हो या नहीं। ये सभी फैंसी एप्लीकेशन सिर्फ संभव है कंप्यूटर विजन के कारण। कंप्यूटर विजन कंप्यूटर को न केवल देखने की क्षमता देता है बल्कि डिजिटल इमेजेस और वीडियोस का एनालिसिस भी करता है, क्योंकि वीडियो इमेजेस का एक सीक्वेंस है जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर प्रदर्शित होता है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर विजन जो इमेजेस के साथ क्या कर सकता है वही ये वीडियो के साथ भी कर सकता है। इसलिए सरलता के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ इमेजेस ही गौर से देखेंगे, ये केवल मजाक है। तो आइए इस बारे में थोड़ी और गहराई से जानें कि कैसे कंप्यूटर विजन इमेजेस को एनालाइज करके हमें उपयोगी जानकारी देता है। डिजिटल इमेज पिक्सल से बनी है। एक पिक्सल को पिक्चर एलिमेंट के रूप में भी जाना जाता है। आप एक पिक्सल को एक इमेज की सबसे छोटी एकांक के रूप में सोचते हैं, और प्रत्येक पिक्सल में इंटेंसिटी को देखने के लिए एक नंबर होता है। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में नंबर 0 काले और नंबर 255 सफेद को दर्शाता है, और नंबर 0 और नंबर 255 के बीच जितने नंबर होते हैं वो ब्लैक और व्हाइट के बीच के शेड्स को दर्शाते हैं। जैसा कि ये इमेज सफेद भाग के आसपास 255 नंबर के करीब के नंबर दिखाती है और काले भाग के आसपास 0 नंबर के करीब के नंबर। ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस के विपरीत ज्यादातर कलर इमेजेस में पिक्सल की तीन लेयर होती हैं, लाल, हरे और नीले रंगों के लिए एक एक तीन बेसिक रंग, और इन रंगों के कॉम्बिनेशन को उसे करके अन्य रंगों को भी दर्शाया जा सकता है, जैसा किसी रंगीन टीवी में होता है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि डिजिटल इमेजेस नंबरों से बनी होती है, और नंबर भी वही होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम समझते हैं। वास्तव में रिसर्चर्स इन नंबरों और कुछ सरल गणितीय गणनाओं का उपयोग करके इमेजेस से सारी जानकारी निकालते थे। वो नंबर्स के छोटे ग्रिड का उपयोग करते थे जिसे फिल्टर या कर्नेल्स कहा जाता है, और जब हम इन फिल्टरों को एक इमेज में पास करेंगे वो भी कुछ सरल जोड़ और गुणा करते हुए, तो हमें कुछ दिलचस्प आउटपुट मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम इस फिल्टर को एक इमेज में पास करते हैं तो हमें एक इमेज से सिर्फ वर्टिकल एजेस ही मिलेंगे, और अगर हम इस फिल्टर को किसी इमेज में पास करते हैं तो हमें इमेज के हॉरिजॉन्टल एजेस या क्षैतिज किनारे मिलेंगे। वास्तव में अत्याधुनिक कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम एक इमेज से जानकारी निकालने के लिए एक ही आधार तर्क का उपयोग करते हैं। हालांकि इनमें तीन प्रमुख अंतर हैं। एक, वे सैकड़ों अलग अलग फिल्टर का उपयोग करते हैं जैसे हमने अभी देखा। दूसरा, वे इन सैकड़ों फिल्टर को कई चरणों में बार बार इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा, वे आर्किटेक्चर को मशीन लर्निंग के जरिए इन फिल्टर्स का इस्तेमाल करके सही नतीजे लाने में मदद करता है। जैसे हमने मशीन लर्निंग वीडियो में चर्चा की थी, कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम को हजारों इमेजेस पर प्रशिक्षण देना होगा इससे पहले कि वे हमें कुछ ऐसा दे जो हमारे काम आ सके। आइए कंप्यूटर विजन के कुछ लोकप्रिय केसेस पर नजर डालें। कंप्यूटर विजन के सबसे आकर्षक केसेस में से एक है चेहरा पहचानना। अब फेस रिकॉग्निशन के जरिए हम अपने फोन के सामने चेहरा पॉइंट करके फोन को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन कई अन्य केसेस भी हैं। गवर्नमेंट बॉडीज फेस रिकॉग्निशन का यूज करके मिसिंग लोग, वंचित अपराधियों और संदिग्धों की पहचान करते हैं। फेस रिकॉग्निशन ने कार्यालयों में टच आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस को फेस बेस्ड अटेंडेंस के साथ बदलकर महामारी के समय में हमारी दुनिया को सुरक्षित बनाने में भी मदद की है। कंप्यूटर विजन किसी घटना या हरकत का पता लगाने में भी मदद कर सकता है, जैसे कि क्रिकेट की गेंद का रस्सी के पार जाने की घटना। सरकार के दृष्टिकोण से सरकारी कार्यालयों में भी किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी व्यक्ति या ड्रोन का प्रवेश होना, या ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर जीब्रा लाइन क्रॉसिंग का उल्लंघन करने वाली कार हो। आज इनका इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की नंबर प्लेट पढ़ने और चालान बनाने के लिए करती है। एक अन्य लोकप्रिय केस मेडिकल इमेजरी एनालिसिस है।
आज कंप्यूटर विजन सिटी स्कैन से गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकता है। ये एक्सरे से फ्रैक्चर का पता करने और त्वचा का घाव कैंसर संबंधित है या नहीं जानने में मदद करता है। इनफैक्ट कुछ चिकित्सा कार्यों के लिए कंप्यूटर विजन का प्रदर्शन डॉक्टरों से अधिक है। सरकार की दृष्टि से कंप्यूटर विजन फोरेंसिक में मदद कर सकता है, जैसे हड्डी के कंकाल की इमेज को देखकर उम्र, लिंग और मृत्यु के समय की जानकारी प्राप्त करना। इसका इस्तेमाल महामारी यानी पेंडेमिक के दौरान फेफड़ों के एक्सरे स्कैन का अध्ययन करके ये सुझाव देना था कि ये कोविड से प्रभावित है या नहीं। कंप्यूटर विजन नेविगेशन में भी मदद कर सकता है और उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीक में से एक है स्वचालित कारों और रोबोटों की गतिविधियों में। कंप्यूटर विजन के कुछ अन्य उदाहरण हैं: फसलों में कीटों का पता लगाना, दोषपूर्ण उत्पादों का पता लगाना, फॉरेस्ट फायर का पता लगाना, एक सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट करना, भूमि उपयोग के पैटर्न की पहचान करना, उपलब्ध पार्किंग स्थलों का पता लगाना, फसल की उपज की भविष्यवाणी करना, यह जांचना कि क्या लोगों ने मास्क पहना है, और भी बहुत कुछ। असल में कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस के बारे में सोचने का एक तरीका ये है कि जहां कहीं भी हमारे पास कोई इमेज या वीडियो हो वहां कंप्यूटर विजन के लिए उपयोग मामला हो। इस वीडियो को पूरा करने के लिए आइए कंप्यूटर विजन से जुड़े कुछ और पहलू जानें। कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए हमें इसे इमेज और वीडियो के गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स पर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि हमें स्टोरेज लागत पर खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा एल्गोरिदम को तेजी से प्रशिक्षित करने के लिए हमें कंप्यूटेशनल लागत पर भी खर्च करना होगा। ये लागत नए शोधकर्ताओं के लिए कंप्यूटर विजन क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए एक प्रवेश बाधा है। कंप्यूटर विजन डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को भी सीख सकता है। उदाहरण के लिए चीन में चेहरों पर प्रशिक्षित एक चेहरा आधारित पहचान भारत में चेहरों का पता लगाने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों देशों के लोगों के चेहरे के अलग अलग पैटर्न हैं। अंत में कंप्यूटर विजन से संबंधित गोपनीयता के मुद्दे भी हैं, विशेष रूप से चेहरे की पहचान के साथ। दरअसल फेसबुक ने अपने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद कर दिया है, जो फोटो से लोगों को अपने आप पहचान लेता था। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कंप्यूटर विजन क्या है, ये कैसे काम करता है। हमने इसके कई सारे एप्लीकेशंस के बारे में भी बात की और इसके इस्तेमाल और कुछ सीमाओं के बारे में भी बात की। हम आपको फिर मिलेंगे हमारी अगली उभरती हुई टेक्नोलॉजी वीडियो में। थैंक यू फॉर योर कंप्लीशन। Stay informed with WITP's tailor-made online courses at igotkarmyogi.gov.in. Enroll to lead with knowledge, explore practical courses on emerging technologies. Deep dive into real-world applications through the WITP Digital Library and WITP YouTube channel. Your learning journey continues towards a tech-savvy, future-ready government service. Jai Hind!